समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये देखो, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो होता है। ठीक है, आसान है ये प्रॉब्लम। ये बॉडी अंडर द फोर्स, एक बॉडी है उस पे यार फोर्स लग रहा है, ठीक है, और फोर्स वेक्टर में दिया हुआ है, ऑलरेडी दिखाया हुआ है और एक्सलेशन भी दिया हुआ है। बॉडी का मास निकालना है तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एक्सलेशन। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 6i कैप और -8j कैप और +10k कैप, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई एक्सलेशन। ठीक है, एक्सलेशन इज इक्वल टू 1 m/s². ठीक है, तो ये आ जाएगा मास। अब हमें मास केजी में चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड सबको निकालने आता होगा, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं डिवाइडेड बाई 1, 6, 36, 64, ठीक है, और ये 200। तो 200 अंडर रूट क्या होता है, 200 अंडर रूट होता है 10√2 kg, 10√2 kg। तो 10√2 kg इसका फाइनल सोल्यूशन है, दैट इज सी ऑप्शन सही है ना, बहुत आसान था ये। चलो